मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। इंदिरा नगर फिसल बंडा के इलाके में रहने वाले दिलावर नामी एक शख्स ने एक रोड को कब्जा करते हुए रास्ता बंद करके इस रोड की जमीन को अपनी बताते हुए दीवार उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही GHMC और एरिया कारपोरेटर सलीम बेग को इसकी तल्ला मिली, फौरी मौके पर पहुंचकर ये सारा काम रुका दिया और ये गैर कानूनी रास्ता बंद करने वाले शख्स पर एक FIR भी दर्ज कराया गया और GHMC के अमले ने आकर फौरी उस दीवार को तोड़कर रोड को बहाल कर दिया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की ये रिपोर्ट। रोड लाइन बंद पे 25 सालों में 40 साल से मकाना थे पीछे, उनके आने जाने का रास्ता है, उधर बैकसाइड है बताता हूँ आपको। और अब जो है सो इनका दावा है कि इनकी जमीन है, इनके बाबा बेचे। घर कब बना इन्होंने? 15 साल पहले। इन्होंने बनाए इस वक्त रोड वगैरह थी और इनका आने जाने का रास्ता इसी पे है पूरा। गैर जरूरी के जिसको रोड डैमेज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। इंदिरा नगर के एक दिलावर हुसैन नामी एक शख्स जो 25 साल खदीम CC रोड, जिसके तकरीबन 40 से 50 मकानात जो 40 साल से रहते हैं उनके आने जाने का रास्ता है, 6 फीट की ये गली है जिसमें CC रोड, वाटर लाइन, सेवरेज लाइन जो 25 साल पहले डाली गई है। ये शख्स आज से 10-15 साल पहले मकान बनाए और उनका भी इसी रोड से चलना फिरना है, इसी रोड पे जो है सो उनकी रास्ता है, उनका सीवरेज कनेक्शन यहीं से है, नल का कनेक्शन यही है, तमाम सहूलतें इसी रोड से हासिल करें। एक साल कबल जो है सो एक पड़ोसी के झगड़े के बुनियाद पे अपने डॉक्यूमेंट्स में ये ज़मीन मेरी है बल्कि एक साल पहले भी जो है सो इस पर दीवार उठाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त ACP टाउन प्लानिंग मुकामी आवाम की शिकायत पर आके वो दीवार निकाल दी थी। अब एक कोर्ट को जो है सो गुमराह करके एक आर्डर लाया गया जिसमें यह बताया गया है कि बल्दिया हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहती है, जबकि बल्दिया कोई काम नहीं कर रही है और रातें रात जो है सो रोड को कवर करके शेड लगा दे के पूरी CC रोड उखाड़ दी गई। मुतालिका ऑफिसर्स ने इसका मुआयना किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। ये FIR है। अब रहा दूसरी बात, बहैसियत कारपोरेटर्स मुझे और मेरे साथी अब्दुलरहमान शाह को बदअखलाकी की गुफ्तगू और वीडियो बना के पोस्ट किए जा रहे हैं और किरदार कशी की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 20 सालों में 2002 से कारपोरेटर हूँ और 45 साल खिदमत गुजार हूँ। मैंने किसी का एक ज़मीन के किसी के हब्बे सिया का जिम्मेदार नहीं और यहाँ पर सैकड़ों मकान बने हैं, किसी से एक पैसा नहीं लिया। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है बहैसियत कारपोरेटर, अगर किसी रोड को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, रोड को उखाड़ दिया जा रहा है, रोड पर कब्जा किया जा रहा है, तो जाहिर है कि आवाम की तकलीफ़ का ख्याल करते हुए मुझे उसे रोकना है। मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरी किरदार कशी की जा रही है। कहा जा रहा है कि निज़ामाबाद में मेरी जायदाद है, फलां जगह मेरी जायदाद है। मैं दिलावर हुसैन से कहूँगा कि बेचारा गरीब है, सड़कें कब्जे करके घर बनाना चाहता है, अगर इस कदर बेघर है तो निज़ामाबाद में मेरी जितनी प्रॉपर्टी है उसकी तहकीकात करके उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लाए, मैं उसके नाम पर कर दूँगा दिलावर हुसैन के। मेरे
मेरी और मेरी औलाद की एक ही मकान है मेरा जिसमें रहता हूँ। इससे हटके अगर कहीं भी अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो लाओ दिलावर हुसैन और उनके भाइयों के नाम पे मैं जो सो अभी रजिस्ट्री कर देने के लिए तैयार हूँ। ये किरदार कशी की बात आप लोग अपनी आंखों से देखे हैं कि सीसी रोड को उखाड़ कर कब्जा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना बहसियत कारपोरेटर मेरी जिम्मेदारी है। जमात के कायदीन पर गुमराह कुन बयानात देना, जमात के खिलाफ बद अखलाकी की गुफ्तगू करना, ये चार भाइयों का पेशा है और ये मुखालिफिन मजलिस जो हमेशा से जमात को नुकसान पहुंचाते आए हैं और ये मेरी किरदार कशी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अवाम जानती है मेरा किरदार, मैं बाकिरदार हूँ, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता। और ये जो आज जो वाकया हुआ मीडिया के सामने बताना मेरा मकसद था और मैं ACP टाउन DC डिप्टी कमिश्नर सऊजून यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने मुआयना किया है और ये इंक्रोचमेंट को फौरी हटाने का हुक्म दिया है। इंशाल्लाह ये इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा और क़ानून अपना काम करेगा और मेरी किरदार कशी बंद कर दी जाए। इस किस्म की बेहुदे बयानात नहीं देना चाहिए। अगर हकायक है तो तुम सामने लाओ। मैं आज मेरे ख़ानदान के मेरे घर के अलावा जितनी प्रॉपर्टी मेरी बता रहे हैं मैं तमाम प्रॉपर्टी उनके नाम करने के लिए तैयार हूँ। साहब बस्ती में जो है ना तकरीबन 2 साल से इनको परेशान कर रहे हैं ये लोग जो है ना, हरदर्मी कर रहे हैं और जो है ना लड़ाई झगड़े मारम पीटी हर एक के साथ यही रवैया है इनका और एक दूसरे को बंदा। ये रियासत नगर का है, ये रियासत नगर मस्जिद अंसार के सामने ये काम हो रहा है और हर वक्त जो है ना ये लोग परेशान कर रहे हैं और हर वक्त जो है ना आजू बाजू पीछे आगे वालों को परेशान कर रहे हैं और जो है ना चलने वालों को जो है ना डिमांड करें कि भाई जैसे नहीं चलना और जो है ना यहाँ जो भी आएगा इसको जो है ना मैं मार दूँगा काट दूँगा वो करे डरा रहे धमका रहे समझो। और अभी 2 दिन पहले से जो है ना ये लोग प्री प्लान क्या करे एक पैनल है स्टील का पैनल है उसको दीवारों में ग्राउट करके दोनों तरफ से पैक कर दिए। पैक करके कल सुबह से पूरा जो है ना आपको पूरा जो है ना जैकहैमर लगा के पूरा तोड़ दिए। तोड़ के इसको डिसमेंडल करके लेके आ रहे थे, जब उसको रोका गया तो क्या बोल रहे हम लोग मट्टी निकाल रहे हमारे घर की मट्टी निकाल रहे बोल रहे, जबकि सरासर झूठ है। ये CC रोड है, ये पब्लिक की रोड है ये और सारी आवाम को परेशान कर रहे सब ये और ये लोग का ये रवैया है और ये लोग जो है ना हर टाइम जो है ना परेशान करके रखे हुए हैं। इनका इनका क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या है खाली पीली के बकना है ये इनके डॉक्यूमेंट्स में क्या है क्या नहीं है ये हमारे को मालूम नहीं। इसी की वजह से मेरे वालिद साहब मेरे बहन भाई साहब मेरे वालदा साहब का भी इंतकाल हो गया ये डिप्रेशन के अंदर से। ये लोग हमेशा टॉर्चर करने की कोशिश करें और मेरा नहीं आप सारे लोगों को पूछ सकते हैं और सब लोगों को जो है ना खाल गैरजोरी बदनाम कर रहे हैं। ये लोग अपना काम करें तो इनको काम करना नहीं दे रहे लोग। ये लोग आके कुछ बोलेंगे तो इनको जो है ना ये लोग कुछ काम करें तो ये लोग क्या बोले इनका जो ये है मकसद है कुछ मकसद नहीं है साहब। ये लोग बेलौस काम कर रहे हैं यहाँ पे और हमारे रिक्वेस्ट पे आए आके जो है ना ये लोग हमारे को जो है ना हमारी मदद कर रहे हैं। साहब लोग कॉर्पोरेटर साहब आए ये कॉर्पोरेटर साहब आए और संसद साहब आए सारे बस्ती वाले आए साहब। बिल्कुल हक की बात है। ये रोड जो है ना 25 साल से है और ये घर बन के 12 साल हो रहा। 2 साल पहले भी मारमारी भी कर लिए झगड़ा भी कर लिए उसके बावजूद फिर जो है ना पुलिस स्टेशन को भी गए केस बुक करे उसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं है और रातें रात जो है ना टीना लगा के रोड सुबह में शुरू करे तो शाम तक तोड़े। सुबह में आके बोलते ही मैं बेग साहब को बोला, बेग साहब इमीडिएट आए। उनका कोई मफाद नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है और कई बेग साहब कोई ज़मीन पर कब्जा आज तक नहीं करे और करेंगे भी नहीं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पीछे उंगली कर रहे हैं कि ये नो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, सब गलत बात है, बिल्कुल बेकार है, बकवास है ये। और शाह साहब भी जो है ना इससे पहले भी आए थे, उन्होंने भी समझा के गए मगर उसको भी नहीं समझे ये लोग। समझा ये मामला ऐसा है ज़बरदस्ती का मामला है, नाहक के जो है ना रोड तोड़ के बंद करना चाह रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। CP को पूरा शाम तक इसको क्लियर कर देंगे। खबर है शहर की, खबर है गांवों की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।